देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने आधार से लिंक कर सकते हो। इसके लिए सबसे इजी स्टेप्स हैं कि आप अपने फ़ोन से ये कर सकते हो। आप प्ले स्टोर पे, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे आ जाओ। प्ले स्टोर पे आपको फाइंड करना है वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन आप फाइंड करके आप इसे इंस्टॉल कर लो। जैसे ही एक बार कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सेल्फ खुद से भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, वोटर हेल्पलाइन इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है एंड फेच डिटेल्स। ओके, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर आईडी, प्लीज़ क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। ओके, सो प्रोसीड कर लेते हैं। हियर यू कैन सी माय ऑल द डिटेल्स। तो ये ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो बस सी जिस पे ग्रीन टिक मार्क है, ठीक है, वो ऑलरेडी इनपुट्स हैं अवेलेबल। एंड नाउ यू कैन चेक लाइक दोज इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल, लाइक आधार डिटेल्स। इफ़ दिस डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, तो आप वो चीज़ यहाँ पे अपना फर्निश कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना आधार डिटेल्स एक दे देता हूँ। डिटेल्स देने के बाद आपको बाकी डिटेल्स से वह चेक कर लेनी, और क्या क्या है, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट, जो भी जो भी एस्ट्रिक्स वाले हैं वो आपको मैंडेटरी हैं, वो आपको फुलफिल करने हैं। सो मोबाइल नंबर यू हैव टू इनपुट, वो मैं कर लेता हूँ। मेल आईडी एंड प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं जहाँ से भी आप ये रजिस्टर कर रहे हो। एंड देन सारी डिटेल्स देने के बाद डन। एक बार आप अपना फॉर्म 6B प्रीव्यू कर लो, इसके लिए आपके पास 5 मिनट हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर पे टाइम काउंटडाउन चल रहा है। ओके, सो एक बार आप प्रीव्यू करके इसे कंफर्म कर दो। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ ठीक इनपुट्स डाले हैं, तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ओके, सो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट। और ये जो रेफरेंस आईडी है, ये मेन है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके एंड ओके, तो ये रेफरेंस नंबर आपको सेव करके रखना है, एंड इसी से आप चेक कर सकते हो कि जो आपके एप्लीकेशन का स्टेटस है वो अभी किस पोजीशन पे है। ओके, तो एक बार हम चेक करके देख लेते हैं जो करंट रेफरेंस आईडी है उसको। तो ये आप नोट कर लो जो सामने डिस्प्ले पे है रेफरेंस आईडी। ओके, मैं जो ये चेक करने वाला हूँ वो एक बार आपको क्रोम से भी करके दिखा देता हूँ। आप ब्राउज़र पे जाओ और जो आपको साइट है इसका nvsp.in, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो।
ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो रेफरेंस आईडी नंबर जो हमें मिला है वो आप यहाँ पे इनपुट करो, OHJ7। ओके, सो रेफरेंस आईडी मैंने पूरी यहाँ पे इनपुट कर दी है। नेक्स्ट यू हैव टू चूज़ द स्टेट जहाँ से भी आपने बिलोंग करते हो। ओके, सो मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया एंड ट्रैक स्टेटस। सो आप देख सकते हो अभी जो है हमारा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, बट अभी प्रोसेस लाइक अंडर। ओके, तो जब एक बार ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो आधार आपका वोटर आईडी के साथ मर्ज हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं कि आपको किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेने की ज़रूरत है। यू कैन डू इट वेरी बाय योर ओन, वेरी सिंपल स्टेप्स।